कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने सांसद सरोज पांडे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा में कुर्सी छीनो प्रतियोगिता चल रही है। विष्णुदेव चाय और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी छीनी गई है। सांसद सरोज पांडे को एक कुर्सी सलामत रखने के लिए सजग रहना चाहिए, उनकी कुर्सी पर भी किसी की नजर न पड़े। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किसान, युवा, महिला, मजदूरों के लिए काम कर रही है। कांग्रेस का संगठन मजबूती के साथ मोदी सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहा है। भाजपा में कुर्सी छीनो प्रतियोगिता चल रही है। विष्णुदेव साय जी की कुर्सी छीनी गई, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक जी की कुर्सी छीनी गई। सरोज पांडे जी को अपने कुर्सी को सलामत रखने के लिए सजग रहना चाहिए, कहीं उनकी कुर्सी पर भी किसी की नजर ना लगी हो। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार किसान, मजदूर, युवा, महिला, यहाँ के कला, संस्कृति, परंपरा, तीज त्यौहार के लिए काम कर रही है और कांग्रेस का संगठन मजबूती के साथ मोदी सरकार के गलत नीतियों का विरोध कर रही है।